अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो का। गाइस समझ के जाना सारी चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला हूँ। देखिए मैंने आपको कल पीवीआर बताया था, अगर आपको याद हो तो आपको बोला गया था कि भैया जो इसका 1162 का लेवल है यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स जो है वो बनता है। तो गाइस मैंने सुबह सुबह 1160 के करीब करीब इसके अंदर जो है बाइंग की हुई है और मेरी पोजिशन अभी प्लस में चल रही है। तो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, उस चीज़ को समझना और फिर ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। तो इसको समझना, जो चीज़ अभी मैं समझाने जाऊँगा ना उसको समझ लेना। देखो अभी ना मैं हो सकता है इसके अंदर अपनी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दूँ। फिलहाल के लिए मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई है क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज मुझे बहुत ज़्यादा पड़ती है आईसीआईसी के अंदर, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नहीं किया ट्रेड ज़्यादा बड़ा। तो 11 क्वांटिटी मैंने अपने सैमको अकाउंट के अंदर ली है क्योंकि यहाँ पे फंड्स जो थे वो नहीं थे मेरे पास, टोटल 750 रुपये कुछ था, तो मैंने उसी के हिसाब से मुझे 11 शेयर्स जो थे वो मिल रहे थे तो वो मैंने जो है बाय किए हुए हैं। तो उसमें भी 30 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, 60 रुपीज़ के करीब करीब मैंने बाय किया हुआ है। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, उसको समझना ध्यान से। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुबह से एक वॉल्यूम थी ना वो यहाँ पे थी 96 और यहाँ पे कुछ 10,800-11,000 के करीब करीब थी। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है 12:05 कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 10 के करीब आ चुकी है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। देख रहे हो, इसको कहते हैं डिपेथ, मार्केट डिपेथ। इस बिड होती है जो बायर होते हैं, आस्क वाले होते हैं जो बेचना चाहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये बेचना चाहते हैं, इन्होंने ऑर्डर लगाए हैं, ये क्वांटिटी लगाई है। तो देखो अब आपको अगर कन्फर्म करना है ना कि स्टॉक लेवल तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह से इसको ट्राई कर रहा है, तो क्या इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप संकेत पाने के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैं नॉर्मल सा बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है ना, ब्रेकआउट आया तो कई यहाँ पे एसएल लगा के इसको अगर बाय करता तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे नीचे आ गया था इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे गिरा, अगर किसी ने सेल किया होता तो नीचे की तरफ यहाँ तक आप टारगेट ले लेते। अब दोबारा ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी। अब देखो ये वाला लेवल क्या टूटेगा या नहीं टूटेगा या फिर हमें दोबारा से नीचे की तरफ रैली दिखेगी, तो इसके लिए देखो मैं अब क्या सोच रहा हूँ, मैं क्वांटिटी इंक्रीज तो करूंगा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे 1,08,000 की वॉल्यूम कुछ है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाती है तो मैं इसमें क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी ऊपर आ चुका है और नियर अराउंड हमारा जो प्रॉफिट है वो 200 प्लस का हो गया है, तो देखते हैं। देखो अभी तक मैंने नहीं क्वांटिटी इंक्रीज की, देखो इस लेवल के पास आ गया, अब 12 बजने वाले हैं, वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, तो देखना होगा क्या बायर यहाँ पे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ते हैं। अगर बायर यहाँ पे इंक्रीज हो गए तो फिर ही हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूं कि वॉल्यूम का ध्यान रखा करो, जब वॉल्यूम में कन्वर्जन आ जाए ना। देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होती है वो होती है 10 लाख की, यहाँ पे होती है 5 लाख की, तो उसको चेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब वॉल्यूम का थोड़ा सा ही डिफरेंस हो और वो डिफरेंस चेंज हो जाए तो समझ लो कि स्टॉक में रिवर्सल आना यहाँ पे तय है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम अब ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो रही है, 1,05,000 कुछ रह गई है, यहाँ पे 1,13,000 कुछ चल रही है, तो हम वेट करेंगे कि ये वॉल्यूम खत्म हो जाए कहीं ना कहीं और ये स्टॉक कुछ देर के लिए जो है इस लेवल के ऊपर चला जाए। तो मेरे को लग तो रहा है कि एक अच्छी रैली जो है अब यहाँ से हमें देखने को मिलेगी और यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 1,182 का, जो मैं सोच रहा था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे 43-44 हो गई कुछ, वेट करते हैं, देखो 64-50 आ गया, नहीं तो अपनी 50 क्वांटिटी के साथ ही हम रैली को पार्टिसिपेट करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, हमारे हिसाब से चल रही है, हम बैठेंगे यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। देखो फिर 62 आ गया है ना, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये कहते हैं वॉल्यूम का क्रॉस ओवर, ठीक है। तो इसको जब आपको मतलब दिख रहा है कि बायर थोड़े से ही हैं, सेलर भी थोड़े से हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर ये वाले बायर इधर आ जाए, ये चीज़ इधर हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लो रिवर्सल आना तय है। और साथ में आपको एक लेवल भी यहाँ पे दिख रहा हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, जो सुबह से स्टॉक मतलब जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो लेवल भी आपको दिख रहा है, तो समझ लो कि भैया अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, देखो देख रहे हो,
इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं वेट करूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वेट करूंगा। अगर क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है मैं तभी इंक्रीज करूंगा जब यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी थी, होप सो आप लोगों को ये पसंद आई होगी। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होती है या नहीं, तो वेट करें प्लीज। अगेन वेलकम, 12:20 हुए हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गई और ये 98 आ गया। तो गाइस उसके बाद देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ पे मूवमेंट जो है वो आई है और इसने 1168 का भी हाई जो है मतलब लगा दिया। डायरेक्ट 5 रुपीज की मूवमेंट जो है एकदम से मतलब हमें यहाँ पे मिली है। तो देखो मैंने अपनी पोजिशन को अभी भी होल्ड किया हुआ है और 345 कुछ के प्रॉफिट के साथ मैं अभी भी चल रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी देखो मेरी पोजीशन जो है वो 11 स्टॉक्स के साथ 76 रुपीस आ गई है। तो आप कह सकते हो कि देखो 10% का प्रॉफिट जो है, 10% का प्रॉफिट आप कह सकते हो मुझे तकरीबन मिल रहा है। मेरी जो कैपिटल थी वो थी कुछ 711 रुपये, तो इंटू 10/100 करते हो तो गाइस 71 रुपये कुछ बनते हैं। तो 10% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने खरीदी ही 50 क्वांटिटी है, तो चलिए यहाँ पे भी ऊपर ही चल रहा है। तो 1166 आ गया है अभी, तो अभी 68 इसने कुछ हाई लगाया है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चार्ट्स के ऊपर, देखो ये वाली कैंडल का हाई 1167.15। तो अभी ये और ऊपर जाएगा, यहाँ तक हम वेट करेंगे क्योंकि सुबह वाला लेवल इसने तोड़ दिया है, ये जो लेवल था अभी इसको तोड़ के ये और ऊपर निकलेगा। लेट्स सी, देखते हैं कितना ऊपर जाता है, या फिर अगर किसी को बाइंग करनी है तो वो यहाँ पे कहीं 63-64 के पास आए तो दोबारा बाइंग भी कर सकता है। तो अभी के लिए हम अपना जो SL है वो मैं 45 ही रखूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा इसको। मैंने कल ही आपको बोला था कि मैं 45 का SL लेके चलूँगा, तो 60 के हिसाब से 15 रुपये का मैंने यहाँ पे रिस्क लिया हुआ है। और अगर आप मुझे यहाँ पे पूछो कि यहाँ पे क्या है आपका, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। तो आप देख लो यहाँ पे भी जो मेरा SL है वो 1145 का ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के लिए हम 350 कुछ के प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं और FNO में आज मैंने कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज इक्विटी में ट्रेड किया है और सैमको में ब्रोकरेज काफ़ी कम है, मैं आप सबको बता दूँ। तो सैमको इज़ बेस्ट फॉर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देख लीजिए, सैमको में आप अकाउंट ओपन कीजिए डिस्क्रिप्शन में और मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए बाकी मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये पोस्ट कर दिया हुआ है, तो बस मैंने आपको ये एक मैसेज देना था यहाँ पे। बाकी एंड ऑफ द डे देखेंगे पोजीशन कहाँ जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूँ कि देखो यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा चेंज, ये वॉल्यूम चेंज होने का यही होता है। ये नहीं होता कि मतलब यहाँ पे 500,000 की वॉल्यूम थी, यहाँ पे 100,000 की वॉल्यूम थी, आप बोलो अब ये 600,000 हो जाए, ये 100,000 हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में नहीं, ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया 10-12 हज़ार का चेंजेस होना है, अगर वो चीज़ आपको दिख जाती है तो समझ लो कि स्टॉक जो है वो गेम कर सकता है। और वैसे भी अगर वो रेजिस्टेंस के पास हो, रेजिस्टेंस को पार करने वाला हो, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से आपको अपनी लिमिट में जाके दिखा देता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, इक्विटी ओपन पोजिशन मार्जिन। तो 337 रुपये अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, 50 क्वांटिटी मैंने ली हुई है, वेट करेंगे फुल डे, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए वेट कीजिए प्लीज। अगेन वेलकम करता हूँ आपका 12:30 पे। देखिए PVR का शेयर काफी ऊपर आ गया है इस लेवल से, आप देख सकते हो 1171 आ गया है। तो गाइज मुझे यहाँ पे 132 कुछ का प्रॉफिट हो रहा है। ICICI में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 550 कुछ का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये है, आपको वेट करना पड़ेगा अपनी पोजीशंस के लिए, अपने लेवल्स के लिए। देखिए 72 रुपीस आ गया है यहाँ पे, तो मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे भी। यहाँ पे 600 कुछ का प्रॉफिट हो गया है और यहाँ पे 119 कुछ बता रहा है, फिर से नीचे आ गया है। तो गाइस ये चीज़ें होती हैं जब भी कोई स्टॉक एक लेवल को क्रॉस करता है, और अगर आप वहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ी सी नज़र रख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देख लो यहाँ पे है ना वॉल्यूम, देखो अभी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि वॉल्यूम अब 10,000 हो गई है, मतलब जो सेलर थे वो बायर बन चुके हैं, जो बायर थे वो सेलर बन चुके हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज सीखने को कुछ मिला होगा, ठीक है। अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे देखिए इतना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है, 12:30 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेता हूँ। तो कुल मिला के देखिए मैंने यहाँ पे 119 बुक किया, और यहाँ पे भी गाइस हमने ज़्यादा लालच नहीं करना है।
जितना आता है उतना ले लीजिए। देखिए ये कुछ एक नया फंक्शन है, मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट बुकिंग, तो ये पता नहीं 50 क्वांटिटी कुछ कैसे है, पता नहीं, मैं देखता हूँ इसको भी कुछ होता है। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट बुकिंग लिमिट प्राइस, चलो 11,072 रुपये, 1172 रुपये, देखते हैं इसमें क्या होता है। और यू हैव सक्सेसफुली प्लेस ए मार्जिन प्लस कवर प्रॉफिट ऑर्डर फॉर द स्पेसिफाइड क्वांटिटी। ये मेरी ओपन पोजीशन कुछ भी नहीं है मार्जिन प्लस में, ये क्या हुआ? नाइन आ गया गाइस, 600 कुछ का प्रॉफिट था मेरा गाइस यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ। एक्चुअली मुझे इसका पता नहीं है, चलिए मैं सारी पोजीशंस मार्केट पे स्क्वेयर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ओपन पोजीशन देख लेता हूँ। ये मुझे एक्चुअली पता नहीं आई सी का इतना, तो चलिए आज के लिए कुल मिला के मैंने यहाँ पे 475 कुछ बुक कर लिया। देखिए रिटर्न ऊपर आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सही टाइम पे 119 पे बुक कर लिया, यहाँ पे 10 रुपये 83 पैसे का प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पे भी 50 क्वांटिटी मैंने बेची थी तो 475 कुछ, तो 475 प्लस 119, तो कुल मिला के मैंने आज का प्रॉफिट 594 कुछ का बुक कर लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कैसे मैंने किया, कैसे नहीं किया, क्या किया, सारा चीज़ें, ठीक है। तो कल ही मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया था, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी मैं आपको बोल देता हूँ कि डेली बेसिस पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियोस, आप जब चैनल पे विजिट करते हैं तो जिसको समझना है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ये है मेरा चैनल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो मैंने कल ही बताया था इसके बारे में कि ये स्टॉक अच्छा खासा कर सकता है काम, और इसने वही किया। देखो नीचे से लोगों को फंसा लिया है इसने, अब नीचे से ऊपर आया है 59, अगर आप आज का लो देखोगे तो देखो 52 है और मैंने 45 का एसएल दिया था, वहीं से रिटर्न मारा है, अभी जाएगा ऊपर 1180 तक जा सकता है, ये जो लेवल है ना ये हिट कर सकता है, लेकिन मैंने कर लिया प्रॉफिट बुक, मेरे लिए इनफ है, मैंने सुबह से कुछ ट्रेड नहीं किया था और तो आज मैंने इक्विटी में ही ट्रेड कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गाइज एक चीज़ और बता दूँ कि मैं जब अपनी पोजीशन क्लोज करता हूँ, जब अगर मैंने पोजीशन ली होती है तो मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ, देख सकते हो कि मैंने सुबह जब पोजीशन बनाई थी तो मैंने सबको ये किया था, देखिए रेजिस्टेंस के पास था तब भी मैंने अपडेट किया पीवीआर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 10:25 पे सबको बोल दिया था कि पीवीआर जो है वो बेस्ट है बाय लेवल के लिए, तो अगर किसी ने 10:25 पे भी पोजीशन बना ली होती मेरी कल वाली वीडियो देखकर तो वो अभी कहाँ पे होता, ये देखो ध्यान से देखो, अभी ये यहाँ पे आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। तो गाइस अगर किसी ने देखो 10:25 यहाँ कहीं पोजीशन बना ली होती 61 के करीब, तो गाइस अभी वो एक अच्छा प्रॉफिट कमाता था, मतलब मेरे साथ ही आपकी पोजीशन बननी थी। तो मैं कुछ है अपने पास छुपा के नहीं रखता हूँ गाइस, मैंने सबके साथ चलना है, ठीक है, तो ये कोई पेड ग्रुप या आप बोलो वैसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लेवल्स मेंशन करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे जुड़िए और सीखिए। देखिए मैंने जब वॉल्यूम की बात की मैंने यहाँ भी अपडेट किया, ठीक है, तो ये मैं बताना भूल गया था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।